ए बाबा, नेम ऑफ द टॉपिक इज हायर परचेस। कल कौन से क्वेश्चन कर रहे थे बेटा? सेवेंथ क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो हमने उसमें रिसीवेबल और पेएबल चेक कर लिया था। एग्रीड? एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या था? देर इज समबडी कॉल्ड एज ए एंड देर इज समबडी कॉल्ड एज बी। हु सोल्ड टू हुम बेटा जी? ए सोल्ड टू बी। तो बी इज सपोज टू पे इट टू ए, सो बी विल पे ए। से यस। फिर क्या हुआ? ए ने वापस वही प्रॉपर्टी क्या ले ली? लीज पर। ये सेल हुई और यहां पर इन्होंने लीज पर या रेंट पर ले ली, व्हाटएवर, इसको हायर बोलते हैं, हायर पर ले ली, है ना। एंड नाउ ए हैज टू पे हिम व्हाट? रेंटल्स। हाँ या नहीं? ए हैज टू पे व्हाट? रेंटल। और ये दोनों ट्रांजेक्शन, दिस रेंटल एंड दिस सेल वैल्यू, विल नॉट बी डन इन वन गो, मतलब अलग अलग नहीं किया जाएगा। इट विल बी डन एज अ सेटलमेंट अमाउंट। इट विल बी डन एज व्हाट? सेटलमेंट अमाउंट। सो दिस फर्स्ट पार्ट वॉज डन एज इन, उसके अंदर कैश डाउन पेमेंट किया गया और उसके बाद में तीन इंस्टॉलमेंट भरी जाएगी। आई रिपीट, पहले क्या किया गया? कैश डाउन और फिर तीन इंस्टॉलमेंट भरी जाएगी। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे उस क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट रेट भी दी हुई थी, कैश प्राइस दी हुई थी, हमने फॉरवर्ड मेथड से उसकी ईएमआई निकाली थी। 1 लाख रुपीज़ अमाउंट था, उसमें से 25,000 कैश डाउन था और फिर बचा हुआ 75,000 पर हमने इंटरेस्ट निकालकर अमाउंट निकाली थी। से यस और नो? यस। देन बॉयज एंड गर्ल्स, उसके बाद में सेम चीज़ को हायर चार्जेस देने लग गया कौन? बी स्टार्टेड पेइंग इट टू ए। एंड देन केम अ क्वेश्चन, हाउ मच इज पेएबल बाय ए टू बी और बी टू ए, ऐसा कुछ था ना क्वेश्चन? मैंने पूरा का पूरा सही बताया ना आपको? ए ने बी को बेचा, राइट। फिर उसके बाद में कल हमने एक वर्किंग नोट की थी जिसमें हमने क्या लिखा था कि अमाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल, ठीक है। तो क्या मैं इधर खोल कर दिखा दूँ? एक्सेल में सातवां नंबर का प्रॉब्लम, ये आपकी सेवा में, ये हमने किया था कल, राइट। कैश डाउन 1 लाख है और इंस्टॉलमेंट है 34,000, 31,000 एंड 28,000। इसको सेटलमेंट करना था, इफ यू रिमेंबर, ये वाली अमाउंट को सेटलमेंट करना था। ये वाली अमाउंट तो कैश डाउन है, ये तो देना ही पड़ेगा। दिस विल बी पेड। नाउ गो एंड चेक अगेन, हु सोल्ड टू होम, सीधा बैठ के देखो, हु सोल्ड टू होम, गो एंड चेक अगेन। ए सोल्ड टू बी, सो बी इज डेफिनेटली गोइंग टू पे ए, हाउ मच रुपीज माई डियर फ्रेंड? 25,000 रुपीज। बी ए को कम से कम कितने रुपए देगा? 25,000 रुपए देगा, मतलब देगा। उसके बाद के जो इंस्टॉलमेंट है वो दिए हुए 34,000, 31,000 एंड 28,000। अब हमें उसके ऊपर काम करना है। आर यू रेडी? फिर बॉयज एंड गर्ल्स, हम आगे गए। फिर बेटा जब हम आगे गए तो ऐसा कुछ धमासान हुआ। 2008 में हायर चार्जेस पेएबल बाय ए टू बी 36,000, इंस्टॉलमेंट पेएबल बाय बी टू ए 34,000. Now, my dear friend, net amount payable by A to B is how much? 2,000. Do you all appreciate? Moving on. फिर बेटा 36,000 again higher charges payable. Higher charges 36 कैसे आया? 3,000 into 12. तो बेटा 31,000 and 5,000 and similarly so on and so forth. Do you all agree? अब यहाँ नहीं झंडू, यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अब हमें journal entry करनी in the books of B. चलो format बनाओ. Be quick. राठी जी, कल किधर अंडे डाल रहे थे? हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब थी, क्या हुआ था? बता नहीं सकते ऐसी बीमारी है? क्या हुआ, क्या था? कैसे भी तो लग रहा था। शेठ नमस्ते, सेठ नमस्ते नहीं बोले मेरे को, सीढ़ी के बाजू में नमस्ते नहीं बोले। पैसा कर रहे हो, मैं घटे उससे। ये चलो हो गया क्या फॉर्मेट? पहली एंट्री देखो, देख के बताओ सीक्वेंस में पहली एंट्री क्या होगी? सीक्वेंस में पहली एंट्री देख के बताओ गधेड़ो। बी के बुक्स में क्या होगा? परचेस ना, तो एंट्री क्या होगी? क्या भाई, क्या ट्रक टू व्हाट? ट्रक टू व्हाट? ए। हैप्पी? तो लिखो ट्रक टू ए। ओ, इंस्टॉलमेंट सिस्टम है ना,
ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, थोड़ा सा एंट्री में गड़बड़ होगा, अपन ने हायर परचेस की एंट्री कर दी। क्या एंट्री आएगी? ट्रक अकाउंट डेबिट 1 लाख, राइट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, बेटा एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट देख के बता, 18,000 इतना ज़्यादा श्योर हो ना? 18,000 टू एज अकाउंट, छोरी सही बोली एकदम, तू जोरदार, जल्दी से लिख गुंडू, ऐसे कैसे लिखे, घर पर कर गया, इतनी सिंसियर मत बन पागल। अभी नेक्स्ट एंट्री बताओ गुंडप्पा, नेक्स्ट एंट्री कैश डाउन, क्या एंट्री होगी बेटा जी? ए टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश डाउन कितने रुपए का है? 25,000 रुपीज का। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हाथ टूट जाए परवाह मत करना, जल्दी जल्दी लिखो। क्या कर रहे हो उस पर, क्या लिख रहे हो तुम, माकड़ा है क्या लिख रहे हो उस पर? बुक नहीं लाया ना माकड़, अरे माकड़ा हो गया क्या? अभी कैश डाउन की ए टू बैंक, ये टू बैंक पण ते बँकेला येत नाही, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिख लिया गुंडू। जब ये एंट्री हो गई, अगली एंट्री क्या है सोच के बताओ, मेरी जिंदगी का सवाल है। इंटरेस्ट और क्या एंट्री, ऐसे नहीं इंटरेस्ट मतलब और कौन सी एंट्री होगी? इंटरेस्ट की तो होगी, और हायर चार्जेस की भी होगी क्या? इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे बेटा, इधर नेट ऑफ करने का, तो एक एंट्री होगी हायर चार्जेस की। हायर चार्जेस कितने थे? 36,000। सोच के बताओ बी को हायर चार्जेस मिलने वाले हैं या बी हायर चार्जेस पे करने वाला है? सोच के बताओ, गोबर मत करना, बी को मिलने वाले हैं, यस और नो? तो एंट्री क्या होगी? कैन आई नॉट से ए अकाउंट डेबिट टू हायर चार्जेस, हायर चार्जेस इज माय इनकम, यस और नो? कम ऑन गिव मी द एंट्री, मुझे नहीं समझ में आ रही। ए अकाउंट डेबिट टू व्हाट? हायर चार्जेस। अमाउंट कितना बताएंगे? 36,000। सेकेंड एंट्री और एक ध्यान से सुन गुड़िया, या हायर चार्जेस की एंट्री हुई, सेकेंड एंट्री ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कौन किसको देने वाला है? सोच के बताओ, बी ए को देने वाला है, तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ये क्लियर हो रहा है क्या? प्रॉब्लम पर कमांड लेके आओ, दो एंट्री हमें करनी पड़ेगी। वन इज ए ने बी को बेचा, सो बी सपोज टू पे, सो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर लिया तो इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, मैंने एंट्री गलत बता दी, हायर परचेस की बता दी। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। जरा जाके देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना है, 9,000 मान रहे हो क्या आप? सो बेटा पहली एंट्री होगी आपकी, बताओ क्या? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस 9,000। और एक एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट टू व्हाट? हायर चार्जेस। अब जरा जाके देखो तुम्हारा स्टेटमेंट जो नहीं गया सेटलमेंट वाला, स्टेटमेंट देखो है क्या तुम्हारा सेटलमेंट वाला? उस स्टेटमेंट में बेटा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कौन किसको पे करेगा? हेडिंग क्या है? ए टू बी, तो बी को कैश आएगी, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कितनी रकम? 2,000, तो वो एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन जरा जाके देखो बी कितना चार्ज करता है, 20%, तो हमारी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? ट्रक अकाउंट। डी ऑल एप्रिशिएट, मुझे बताओ ना, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग एवरीथिंग, शिट, नहीं बताओगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं आगे। एंट्री बोलो अभी सीक्वेंस में, इंटरेस्ट क्या आएगी? एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। इधर और एक नई एंट्री आई, कौन सी? ए अकाउंट डेबिट टू हायर चार्जेस, हायर चार्जेस इज आर इनकम। फिर नेक्स्ट एंट्री माय डियर फ्रेंड, कैश टू ए, मतलब इधर बी इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर लेने के बावजूद भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा, उसको पैसा मिलेगा, सो हमारी एंट्री होगी कैश टू ए। फिर नेक्स्ट डेप्री, क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन टू कौन सा? ट्रक। फिर उसके बाद में बेटा जी आप इंटरेस्ट को
हायर चार्जेस को, डेप्रिसिएशन को पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. डू यू ऑल एग्री? चलो कोई बात, एंट्री कर दो. इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस 9000. इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस 9000. इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट. आर यू राइटिंग डाउन? यस वी आर राइटिंग डाउन सर. फिर नेक्स्ट बोलो ना एंट्री. कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे. ए अकाउंट डेबिट टू हायर चार्जेस 36,000. Being higher charges receivable from Mr. A. Higher charges receivable from Mr. A. Being higher charges receivable from Mr. A. राधे राधे सही है क्या? आगे बताओ गुड़िया क्या है. अगेन ये छोरा जोरदार बोला बैंक अकाउंट डेबिट 2000 to A's account 2000 being net amount received from A. Net amount received from A. आगे की बात बोलो ना. क्या बोल रहे हो? Depreciation. Entry क्या आएगी? Depreciation to asset. बेटा depreciation rate क्या दिया हुआ है? 20%. किसका 20%? 1 lakh का. बिकॉज कैश प्राइस ऑफ द ट्रक वॉज हाउ मच? 1 lakh. सो 1 lakh पर आएगा तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू ट्रक 20,000. कहां पे ट्रांसफर होगा ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ओके पी एंड एल अकाउंट डेप्री पी एंड एल में होगा. और क्या क्या पी एंड एल अकाउंट में होगा? इंटरेस्ट, हायर चार्जेस पी एंड एल के क्रेडिट साइड में. डू यू ऑल एग्री ऑर नॉट? हायर चार्जेस इज आर इनकम. सो बेटा पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट. पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट. पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट. एग्रीड गुंडू? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट. नेक्स्ट एंट्री बताओ. हायर चार्जेस टू पी एंड एल. पक्का क्या? चलो ये ईयर को क्लोज करो. काफी देर से लिख रहे हो. बोले थक गए सर घर पर देखिए इतने सारे एंट्रीज तो पागल हो जाऊंगा मैं. तो इसके नीचे ईयर की एक लाइन बना दो. क्लोज हो गया ईयर तो घर पे बैठ के तांडव करोगे. ये कितने साल की एंट्री पूछी रहे? उस एग्जामिनर को दया है क्या? देखो अपने पर कौन से 5 साल की 3 इंस्टॉलमेंट है 5 साल की. कौन सी प्रॉब्लम देख रही है? डोले आलेगा कुछ भी बोले जा रहे पागल पागल जैसे. 3 इंस्टॉलमेंट है 5 साल की एंट्री करो. बोले क्या बोलो अभी? ये समझ में आया क्या बाबू? मैं आपसे वापस एक बार रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूं. इधर आते क्या? ये देखो ये जो 1/1/2008 है ये तो कैश डाउन की एंट्री थी. इसके बाद में हमने पहली एंट्री की इंटरेस्ट की. सेकेंड एंट्री किसकी की बेटा? हायर चार्जेस की. फिर क्या किया? सेटलमेंट. फिर डेप्री. फिर पी एंड एल टू डेप्री टू व्हाट? इंटरेस्ट एंड हायर चार्जेस टू पी एंड एल अकाउंट. सो कुल मिलाकर हर साल अभी 5 एंट्रीज करनी पड़ेगी. 5 एंट्रीज कौन सी? वापस से एक बार रिपीट करो. थोड़ा पहला तुम बोल रहे इंटरेस्ट, फिर हायर चार्जेस, फिर सेटलमेंट. हाँ है ना? सेटलमेंट के बाद में डेप्री और इंटरेस्ट, पी एंड एल अकाउंट और रसगुल्ले, हायर चार्जेस, पी एंड एल अकाउंट. हैप्पी? जरा जाके देख के बताओ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है. जरा सोच के बताओ एंट्री क्या है. इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 31 December 2009 आएगा. लिख रहे पोपट टी शर्ट पर क्या लिखा रहे? वही बोल रहा हूं अपने काम से काम रख और कर इडियट. सेट थैंक यू. ना क्या है कह रहे सुबह?
सब नलायक साला, दिख रहा है क्या थोबाड़ तू था? ऐसे ही उठ के आ गया नलायक, आई एम क्रॉस फिंगर क्रॉस। अभी कल नहा लियो नहीं तो मॉस जमा होने लग जाएगा। अभी काय म्हणता त्याला आपण, वो ग्रीन ग्रीन कलर का आता त्याला काय म्हणतो, बुरशी। हा ते बुरशी यायला गेला था, शेवळ यायला गेला। ये पहला एंट्री आहे का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू व्हॉट, इंटरेस्ट सस्पेन्स अकाउंट। नेक्स्ट ए अकाउंट डेबिट टू हायर चार्जेस 36,000, ए अकाउंट डेबिट टू हायर चार्जेस अकाउंट 36,000। जल्दी जल्दी लिखो, नहीं तो काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा। ए टू हायर चार्जेस, बच्चों ये सही है, ये दोनों अमाउंट ए टू हायर चार्जेस, एक रिसीवेबल है एक पेएबल है। इसके बाद में सेटलमेंट, सेटलमेंट कभी भी इधर कंपेयर करके मत निकालना। सेटलमेंट मैंने आपको टेबल वर्कआउट करके दिया, उसमें सेटलमेंट किया था, हाँ नहीं? चलो बताओ जरा सेटलमेंट कितने पे होगा, 5,000, राइट? तो हम एंट्री क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 5,000। लिखो एंट्री, कैश टू ए, गधेड़ो मुंह फाड़ फाड़ के मत देखो, मेरे को बताओ डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है। WDV किस पर डेप्रिसिएशन निकलेगी, 80,000 पर निकलेगी, क्योंकि पिछले साल कितना हो गया था 20,000, 80,000 आएगा ना, 1 लाख माइनस 20%, 80,000 इंटू 20%, थैंक यू सो मच फॉर माई रिविजन, 16,000, 16,000 होते का? ए? क्या एंट्री आती रहे, डेप्रिसिएशन टू ट्रक, अव आता कुठे टाकतो मी, दोन पी एंड एलला टाकू का, काय काय टाकायचं पी एंड एल अकाउंट बाळ्या, डेप्रिसिएशन आणि इंटरेस्ट दोन्ही एक्सपेन्स, आणि हायर चार्जेस पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। बनकर मॅडम कल तो नाही थे तुम, आज बहुत मजा आ रही होगी ना, आज तो डांस कर रही सब चीजें। बच्चे इतने होशियार कैसे रहते पता नहीं, अंतर या मेरे रहते, जब भी नया टॉपिक शुरू होता बराबर पहुंच जाते हैं, एकदम खतरनाक है अंतर या मी। राठी जी देखना पड़ेगा प्रॉब्लम को, ऐसा नहीं होगा शॉर्टकट में, हाँ ये इज्जत की प्रॉब्लम है थोड़ी। तो कल एब्सेंट थे आप, अभी आज लिखने के अलावा कर भी कह सकते तुम, लिख लिए हो क्या? ए बाबू यहां तक आ गए क्या, शकल हुआ बेटा, कर जल्दी से कर, क्या हुआ सस्पेंस, क्या एंट्री बोल रहे क्या, कौन सी तारीख आती रहे, 31 December 2010, पहली एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। देख के बताओ गांव वालों, इंटरेस्ट अकाउंट कितना है, 3,000, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, लिखो ना एंट्री, अरे जल्दी लिखो, काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा। नेक्स्ट एंट्री बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे, हायर चार्जेस एंट्री बता सकते हो क्या, एज अकाउंट डेबिट टू हायर चार्जेस, कितना तंग किया ना रे इस प्रॉब्लम में, कब से लिख रही है बेचारी, ये दुबली होगी थोड़ी सी, ए अकाउंट डेबिट टू हायर चार्जेस, उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री, अरे नेक्स्ट एंट्री बता दो, क्या बैंक टू
ए कितने अमाउंट है बेटा देख के बता, 8000 है पक्का? सो ए सॉरी बैंक टू ए 8000। हैप्पी बेटा नेक्स्ट एंट्री बताओ, समझ में नहीं आ रहा यार क्या बोल रहे। हाँ डेप्रिसिएशन एंट्री बोलो, डेप्री टू ट्रक 1200, ओके सरकार। अगली एंट्री पी एंड एल को ट्रांसफर कर दू, कर दू क्या? ये क्या पी एंड एल टू डेप्री टू इंटरेस्ट, कैन आई हैव द नेक्स्ट एंट्री प्लीज? हायर चार्जेस टू व्हाट? पी एंड एल अकाउंट। गुड मॉर्निंग हर्षद सर, हो गया क्या? अब बेटा ध्यान से जरा लास्ट लाइन पढ़ो ऑफ द क्वेश्चन, वंस यू हैव डन विद दिस रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन राजेंद्र, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन नीचे है बेटा, मुलांना काय बघतो रे आणि 1 जनवरी की बात है, कौन सा ईयर है राजेंद्र? 2011। द ट्रक इज सोल्ड बाय बी टू ए फॉर ₹15,000 इन कैश, ये बताओ कितने में कितने एक बेचा? ट्रक को 15,000 में बेच दिया क्या? अच्छा एक बार एक काम करो, कैलकुलेटर पर लो, 1 लाख इंटू 0.8, वाई इंटू 0.8 समझ में आ रहा है क्या? पहले साल का डेप्रिसिएशन इंटू 0.8, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन भी गया इंटू 0.8, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन गया, WDV बताओ 51। जे बात 51 200 के एसेट देखो नलायक ने कितने में बेच दी, 15,000 प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। एक बार वापस बताओ ट्रक की वैल्यू कितनी है? 1 लाख हाँ या नहीं? 1 लाख माइनस, अच्छा डायरेक्टली 0.8 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो समझ में आ रहा है, ओके इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 आई विल गेट WDV एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में WDV तुम्हारे हिसाब से आ रही 51 समथिंग कितना? 51 200। बट बेटा मैंने बेचा कितने में? 15,000। सो कैन आई नॉट मेक द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू ट्रक अकाउंट 51 200 और डेबिट साइड में आएगा लॉस ऑन सेल? हैप्पी हाँ है ना? मैं कब से यही बोल रहा हूँ, कैश आया 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 कैश आया टू ट्रक। बेटा कंबाइन एंट्री कर दो, नको अपन ऐसा करा नको, कैश 15,000 लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक, कितना लिखेंगे बाबू? हाँ श्योर अबाउट इट? या इवन आई एम श्योर। तू क्या कह रहे थे बड़ा? टू कह रहे ट्रक अकाउंट ऐसे कौन करता है किसी के साथ? अभी चाय मिल गई, अभी चुपचाप से पढ़ाई पर ध्यान दो। ए टू ट्रक अकाउंट कितना था? मी पण तेच म्हणतोय बाळ्या, राइट राइट डाउन बीइंग ट्रक सोल्ड एट लॉस, बीइंग ट्रक सोल्ड एट लॉस, नहीं येत आता
Vaishala Kutar. 36,200. Agreed? Yes. Have you done with this problem? We have done with question number 7. Now we are there on the next question, sir. Last question. No? Kunsa? 11th question karenge. 11th. Beta, jo question number 12 aur 13 chhape hai na aapke book mein. मैं उसके लिए आपको दिल से सॉरी बोलता हूँ, गलती से छप गए. जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है वो मेथड अभी आपके हायर परचेस में से डिलीट हो गए. वर्चुअल बैच के स्टूडेंट्स को वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो डिलीट करके आएगी. तो प्रॉब्लम 11 ही है सिर्फ. कितने प्रॉब्लम है टोटल? 11. उसमें से एक प्रॉब्लम रही है, कौन सी? 11. तो चल मेरे यार 11 पे आओ ना. हेडिंग लिखो, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर. एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर. तुम्हें आज तक मैंने एंट्री सिखाई हायर परचेसर के बुक्स में. आज मैं तुम्हें बताऊंगा एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर. वेरी गुड ऋषि मुनि, छोटी वाली नलायक. सुबह सुबह नहा के आया करो रे नलायक, आ जाते ऐसे उठ के. और अगर ना करने आया ना तो ये इधर रिवर है मुड़ा मुठा, एक डुबकी मारकर आ जाने का गधेड़े. अब क्या करेंगे, तुमसे तो अच्छा ही रहेगा ना वो. एंट्री क्या इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर. ये पूरी क्लास का ध्यान इधर, गुड़िया इधर ध्यान दे दो बेटो. हायर वेंडर मतलब जो बेचता है उसकी बात, जो बेचता है उसकी बात. तो एंट्री पहली वाली मैंने तो सिखा दी है ऑलरेडी. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दोज एंट्रीज, और हमने लिखकर भी ली. बस एक बार रिवाइज करता हूँ. रीपोजिशन की कुछ एंट्री सिखा रहा हूँ आपको. तो देखो बेटा, पहली एंट्री होती है वो जब सेल करता है, देन ही मेक्स द एंट्री हायर परचेसर, यस और नो, टू सेल्स. क्योंकि इसका रेगुलर सेल होता है, ही डजंट से फिक्स्ड एसेट, उसके लिए वो सेल होता है. एंट्री लिखी हुई थी गुरो मत, राइट. उसके बाद में कैश डाउन की एंट्री होती है, कैश पब्लिक बैंक टू हायर परचेसर, हैप्पी. फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री कौन सी होती है? इंटरेस्ट की इनकम का ड्यू करना होता है. तो हम एंट्री क्या करते हैं? हायर परचेसर टू इंटरेस्ट. ये लॉजिकल है बेटा, इंटरेस्ट इनकम दिखाते हैं हम. उसके बाद में क्या होता है बेटा? फोर्थ, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर. डेप्रिसिएशन की एंट्री इधर नहीं आती. ये कैश किसके आगे बेटा जी? हायर परचेस में जब हमने बेचा था तब जो इंस्टॉलमेंट डिसाइड हुई थी वो कैश आ गई. फिर फिफ्थ एंट्री, हम बेटा हायर चार्जेस को, राइट, जो इंटरेस्ट है उसको कहाँ पे डाल देंगे? पी एंड एल अकाउंट, इंटरेस्ट को. और माय डियर फ्रेंड, सेल्स को कहाँ डाल देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट. बट इसी के साथ एक प्रॉब्लम लोचा होना शुरू हो जाता है. वो जिसने एसेट ली ना, आओ, जिसने एसेट ली वो बोलता है मैं पैसे नहीं देता. एक दो इंस्टॉलमेंट दिया, पैसा नहीं दिया, फिर क्या करते? असेट उठा के लेके आ जाते. तो असेट उठा के लेके आते जाते, तो फिर उसको नाम क्या देंगे? एंट्री तो करनी पड़ेगी. सो हम इधर लिखेंगे गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट. औकड़ते है का पांड्या? गुड्स रीपोजेस्ड बोलना, इसको असेट नाम नहीं देना. गुड्स रीपोजेस्ड टू किससे उठा के लेके आया? हायर परचेस. पहले यह एंट्री क्लियर है क्या? गुड्स रीपजेस टू वॉट? हायर परचेसर. तो बेटा गुड्स रीपजेस टू हायर परचेसर विच अमाउंट? तो जैसे मैंने आपको वैल्यूएशन सिखाया उसी वैल्यूएशन के हिसाब से आपको ये एंट्री करनी होगी. से यस, बताओ एंट्री कैसे होगी? गुड्स रीपजेस टू वॉट? हायर परचेसर. ये बाकी की एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी थी. मैं आज जिसमें इंटरेस्टेड हूं वो ये वाली एंट्री, गुड्स रीपजेस टू वॉट? हायर परचेसर. वैल्यूएशन जैसे मैंने आपको सिखाया उसी तरीके से वैल्यूएशन होगा, या तो डायरेक्टली गिवन होगा या डेप्रिसिएशन रेट से आपको करना होगा, यस और नो, या फिर जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगी वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग के बेसिस पर आपको वर्कआउट करना होगा. तीन मेथड थे अगर आपको रीपोजिशन याद आ रहा होगा. वैल्यूएशन, राइट, रीपोजिशन की वैल्यू निकालना. सीधे बैठ अनन्या. नाउ आफ्टर दैट वी हैव गॉट द लास्ट एंट्री विच इज व्हाट? कि वो इस गुड्स रीपोजेस को रिफर्बिश करता है. रिफर्बिशमेंट का मतलब क्या है? अगर आपने किसी से माल उठा के लेके आया, राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई हैव टेकन अप द लैपटॉप फ्रॉम हिम. अब लैपटॉप ले लिया तो एज इट इज नहीं बेच पाएगा, आई हैव टू फॉर्मेट इट,
आई हैव टू अगेन अपलोड दिस सॉफ्टवेयर ऑन ऑल, क्योंकि उसका यूजर आईडी वगैरह कुछ रहेगा या व्हाटएवर एक्स वाई जेड, आई हैव टू फॉर्मेट इट और आई हैव टू क्लीन इट अगेन, आई हैव टू रिफर्बिश इट, आई हैव टू सर्विस इट, एंड फॉर दैट यू इनकर सम एक्सपेंडिचर. सो व्हाट एंट्री डू वी मेक? वी मेक द एंट्री गुड्स रिपोजेस्ड बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल ऑफ रिपोजेस्ड गुड्स. यस और नो? गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट मतलब ये एक्सपेंडिचर की बात हो गई. ये जब उठा के लेके आए थे माल, जो कितने में लेके आए उसकी बात चल गई है, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर क्या है रिफर्बिशमेंट का. एक कार उठा के लेके आ गए तुम, फिर कार को क्या करोगे? रिफर्बिशमेंट करोगे कि नहीं? उसको क्लीन कराओगे, सब कुछ अच्छा करोगे, राइट? एक हाथ पार्ट कोई लगा तो वो चेंज करोगे. सो गुड्स रिपोजेस टू कैश पब्लिक बैंक, डन. एंड आफ्टर दैट यू सेल दिस रिपोजेस गुड्स. सो द एंट्री इज वॉट? कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस्ड, और जो कोई भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो प्रॉफिट और लॉस बुक कर दोगे. सो आज जो मैंने एंट्री सिखाई वो रिपोजिशन की सिखाई इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर. हायर वेंडर एंट्री क्या करेगा? पहले गुड्स रिपोजेस करेगा. आप जरा बताएंगे एंट्री? गुड्स रिपोजेस टू व्हाट? हायर परचेसर. वैल्यूएशन की चिंता मत करो, मैं वापस बता दूंगा. एग्रीड? कौन सी अमाउंट? बट एंट्री क्लिक हुई. अब आप उसके ऊपर और खर्चा करोगे तो क्या एंट्री करोगे? गुड्स रिपोजेस टू व्हाट? कैश पब्लिक बैंक, मतलब खर्चा बढ़ा और उसके बाद में क्या उसको बेच दोगे तो क्या एंट्री करोगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर विल हिट पी एंड एल अकाउंट. एम आई कम्युनिकेटिंग? यस. लवली पीपल, लवली पीपल, यू आर एक्सपेक्टेड टू कम. आओ ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ हायर परचेस. एक स्माइल तो बनती है यार, लास्ट क्वेश्चन रावण. चलो 11th पे आ जाते. यस, सीधा बैठो, सीधा बैठो. हाँ सीधा बैठो, सीधा बैठो. फ्लावर पॉट है? फ्लावर पॉट नहीं, क्या नाम? हैरी पॉटर. सीधा बैठो. 1 जनवरी 2010, बात समझ रहे हो कब की है? 1 जनवरी 2010 की बात है. अशोक एक्वायर्ड फर्नीचर ऑन हायर परचेस सिस्टम फ्रॉम रियल एड्स लिमिटेड, एग्रीइंग टू पे 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट. सेमी एनुअल मतलब 6 मंथली, हाफ ईयरली, ऑफ ₹800 ईच, कमेंसिंग ऑन 30th June 2010. The cash price of the item was 3000 and the interest of 5% per annum was chargeable. ए कैश प्राइस कितना बेटा जी? 3000 डायरेक्टली दिया हुआ है ना. आगे 30 सितंबर 2010, नलायक, होपलेस. क्योंकि देखो पहली इंस्टॉलमेंट कब? 1 जनवरी 2010 से लेकर 30 जून 2010, सेमी एनुअल बोला है ना, तो पहली इंस्टॉलमेंट इधर आ जाएगी. फिर 30 जून 2010 से लेकर 31 दिसंबर होना चाहिए ना, बट ये नलायक बीच में आ गया सितंबर में. रड़का साला बोला मला नको पाहिजे, मेरे को पैसा नहीं देने को होता, तुम लेके जाओ तुम्हारा असेट. समझ में आ रहा है? मेरे को नहीं चाहिए, लेके जाओ. बात थी सेमी एनुअल बट ही कुड नॉट पे, सो ही केम इन बिटवीन एंड ही सेड लेके जाओ सर आपका माल. देखो पढ़ो, ऐसे लिखा है क्या? On 30th September 2010, Ashok expresses his inability to continue and Real Aids seized the property. Seized the property मतलब repossessed it again. लेके गए वापस. अब बेटा जी आपको कौन सी प्राइस दी है? कैश प्राइस दिए क्या? इंटरेस्ट रेट दिया है क्या? सेमी एनुअल दिया है क्या? क्या हम फॉरवर्ड मेथड यूज करेंगे या बैकवर्ड? फॉरवर्ड. अब मेरी बात सुनो, एग्जाम में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना. अगर बेटा दो इंस्टॉलमेंट के बाद, मतलब एक इंस्टॉलमेंट हुआ उसके बाद में दूसरा इंस्टॉलमेंट होने के पहले ही, मतलब बीच में ही सितंबर में ही रिपोजेस कर लिया, तो पूरा वर्किंग करने की जरूरत नहीं. क्यों टाइम वेस्ट करते हो? क्योंकि तुमको इंटरेस्ट कब तक का लगेगा? पहले इंस्टॉलमेंट का लगेगा और उसके बाद में सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पूरा नहीं लगेगा. या सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक करना है तो वर्किंग करो. इसमें हम वर्किंग पूरी कंप्लीट नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ दो इंस्टॉलमेंट की वर्किंग की तो भी काफी है. क्यों करते बैठने का? खाली पूरा टाइम जाएगा ना कैलकुलेशन करना हो. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कब तक लगने वाला है उसके ऊपर? दो इंस्टॉलमेंट का मैक्सिमम, दो भी नहीं एक ही लगेगा. हैप्पी? दूसरे का इंटरेस्ट 30 सितंबर तक ही लगेगा, पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा. कितने महीने का लगेगा? 3 मंथ्स, फ्रॉम जून टू 30th सितंबर, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर. क्या मेरी बातें पहुंच रही है अब तक? आगे बढ़ते. इट वॉज एग्रीड दैट अशोक वुड पे due proportion of the installment up to the date of seizure and also further sum of 200 towards depreciation. इसको highlight करो और लिखो, इसको highlight करो और लिखो.
सेटलमेंट अमाउंट इज गिवन, डायरेक्टली गिवन. याद है कि मैंने तुमको बताया था रिपोजिशन में तीन तरीके होते हैं. पहला वाला जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसके साथ सेट ऑफ कर लो, दूसरा वाला डायरेक्टली गिवन, तीसरा वाला डेप्रिसिएशन रेट. इसमें डायरेक्टली गिवन है. देखो ना कितना क्लियरली बोला है उन्होंने, बोला इट वॉज एग्रीड दैट अशोक वुड पे ड्यू प्रपोर्शन ऑफ द इंस्टॉलमेंट अप टू द डेट ऑफ सीजर. जब सीज किया तब तक का क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट देगा वो, प्लस फर्दर अ सम ऑफ रुपीज 200 टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन. नाउ व्हाट डज दैट मीन, जो हायर वेंडर था वो बोला तू मुझे अभी तक का तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट दे ही तीन महीने का, साथ ही साथ नलायक असेट ज्यादा खराब हो गई है, मेरी असेट खराब हो गई 200 रुपए और दे उसको ठीक ठाक करने का, राइट. तो तुम टोटल कितने रुपए मांगने वाले उससे, तीन महीने की इंस्टॉलमेंट जो भी बनेगी प्रोपोर्शनेट, प्लस क्या मांगोगे और, आवाज नहीं आ रही है, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन. मतलब डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करनी है इधर, डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि मेरी एसेट ज्यादा खराब हो गई 200 रुपया और दे. आई रिपीट, डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करनी है. डेप्रिसिएशन ये शब्द यहां पर इसलिए यूज किया गया टू डिनोट द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट फॉर विच आई एम आस्किंग द मनी. जैसे मान लो मैंने किसी को, तुम्हें पता है क्या, शादी में मान लो ये दिए जाते हैं कैमराज वगैरह रेंटल पर, तो रेंटल पर कैमरा दिए गए, तुम कैमरा लगाकर वहां पर कर रहे हो, तभी एक बच्चा भागते भागते आया, उसने कैमरा को गिरा दिया, कैमरा का आगे का लेंस थोड़ा सा डैमेज हो गया, लेंस एज इन आगे का पार्ट डैमेज हो गया, तो वो क्या बोलेगा, रेंटल तो दे साथ ही साथ इसका जो डैमेज हुआ डेप्रिसिएशन हुआ उसका भी पैसा दे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट, है नहीं, तो वो बात बोल रहे, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं. एट द टाइम ऑफ रिपोजिशन रियल एड्स वैल्यूड द फर्नीचर एट रुपीज 1500. मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि डायरेक्टली गिवन, देख लो डायरेक्टली गिवन है क्या 1500. ओ पांडे डायरेक्टली गिवन है क्या, क्यों नहीं है शीट, फिर आज के को है तुम, मजा आ रहा है इसलिए ले मजे ले जिंदगी के. द कंपनी आफ्टर इनकरिंग रुपीज 200 टुवर्ड्स रिपेयर्स ऑफ द फर्नीचर सोल्ड द आइटम्स फॉर रुपीज 1800. बेटा फिर 200 किया और फिर उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया. बेटा रिपेयर की एंट्री बताओ, पहले गुड्स रीपोजेस करोगे तब एंट्री क्या करोगे, गुड्स रीपोजेस अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर, उसके अमाउंट पहले ही दे दिए बेटा कितनी है 1500. अरे हाँ नहीं, और उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, गुड्स रीपोजेस टू व्हाट, कैश ऑब्लिक बैंक. अगर तुमने इधर एंट्री कर दी फर्नीचर टू हायर परचेसर, एंट्री इज रॉन्ग, यू हैव टू यूज द वर्ड गुड्स रीपोजेस क्योंकि इनके लिए गुड्स है वो. अगर तुमने एंट्री कर दी रिपेयर्स टू कैश, एंट्री इज रॉन्ग क्योंकि यहां पर रिफर्बिशमेंट ऑफ रिपोजेस्ड गुड्स है, तो रिपेयर्स वर्ड आपको धोखा दे सकता है वहां पे, समझ में आया. यहां पर वर्ड क्या यूज करना, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट. आगे बढ़ो बेटा, फिर वो बेच दिया 1800 में, शो लेजर अकाउंट एज दे वुड अपीयर वर्किंग आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग दैट द कंपनी पासेस हायर पार्सेस ट्रांजेक्शन थ्रू इट्स बुक्स एज रेगुलर सेल्स. आर यू रेडी, क्या चाहते हो, जर्नल एंट्री कराऊं कि लेजर समझ जाओगे डायरेक्ट, दोनों कराने का, ठीक है चलो आ जाओ. पहले बेटा ये एक वर्किंग नोट कर लेते, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. ये बेटा अभी प्लेन वैनिला है, जल्दी से कंप्लीट कर लो, दिखा देता हूं एक बार देख लो ना प्लीज. कैश प्राइस कितनी है कावड़िया, कैश प्राइस बता, देख के नीचे कैश प्राइस कितनी है, ये देखो पहला मैंने लिखा 3000, ठीक है. इंटरेस्ट 5% के हिसाब से कितना आएगा, 5% के हिसाब से लेंगे 2.5%, 5% और 2.5%, 5% लेंगे, 5% या 2.5%, पर 2.5% क्यों, जिनको सदमा लग रहा है, कावड़ा 6 मंथ का है, 6 मंथ का है क्या, देखो पक्का निकालो 3000 × 75. हाँ अभी ऊपर इधर 5% लिख कर है ना, येड़ा सर का बगल 3000 बाबा 75 कैसे करूँ गला, 150 है माजा आंसर, नहीं 75 6 महीने का, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है. ए बाबू ग्रॉस इतना आया, इंस्टॉलमेंट देखो कितनी है, देख कर बताओ, बता दो यार मैं नहीं जा रहा आगे यार, बता दो इंस्टॉलमेंट कितने की, 800 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ऐसा कुछ बोला कि और इंटरेस्ट ऐड करो, नहीं 800 डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट दिया, 800 प्रिंसिपल एट द एंड 3075 माइनस 800 2275, मग पुन्हा 2275, ये 2275 इंटू 2.5%, अभी लिख बेटा, हाँ बोला अभी 2275 इंटू 2.5% 57.57, ओके 57 क्या, हाँ पोपट
अरे मुझे मालूम है इधर 3 महीने बाद में एक्वायर कर लिया है, यही बोल रहे हो ना? हाँ, तो थोड़ी देर शांति रखो ना। मैंने बोला 2 इंस्टॉलमेंट लिखा, अब देखो ये 57 6 महीने का इंटरेस्ट है क्या? डिवाइड बाय 2 कितना? इसका मीनिंग समझ लो 28.5। बेटा 6 महीने का इंटरेस्ट 57 रुपए था, 57 रुपीज, बट नाउ ही एक्वायर्ड विद इन 3 मंथ्स, सो इसका आधा कर देंगे तो 3 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? उत्ता भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों बताऊं क्या? डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट 800 है, इसका हाफ 400 देकर बात ही खत्म। क्योंकि उन्होंने यही बोला ना, वो कितने रुपए भरेगा? प्रोपोर्शनेट इंस्टॉलमेंट प्लस 200 रुपीज, सो ही इज गोइंग टू पे 400 प्लस 200 रुपीज, 600 रुपए भरेगा। ठीक है क्या बनकर मैडम? ठीक है, लिखो बेटा। यार बनकर मैडम कुछ ट्रिक्स दो बाकी के बच्चों को भी, इतने दिन एबसेंट रहकर भी डायरेक्टली आए समझ में आता है फिर भी। शेरा तुझे समझ में आ रहा है क्या कुछ? थोड़ा बहुत गुड। तुम FM का लेक्चर क्यों मिस किया? आई नाउ अंडरस्टैंड। हाँ होगा अभी, बट ये थोड़ा सा बच गया था, सॉरी। सभी लोगों ने लिख दिया क्या? हाँ आराम से लिखो, क्या है अपने को क्या? इकड़े जो भाई से, ये बाबा ये बच्चा ये लिखने को चालू होएगा, पहला हेला काढ़ा ही करना। सिमरे लिखा बेटा? जल्दी जल्दी लिखो रे, तुम्हारी स्पीड से ये जन्म में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। होता क्या रे बाळ्या, झालाय का? घेऊन जाऊ पुढच्या वेळेस चलाय। तुम इतने प्यारे कैसे हो गए हो यार, बचपन से हो? ठीक है, मैं ही मिला था तुमको येड़े में निकालने को। चलो जल्दी से अभी जर्नल एंट्री करते। तुमने बोला दोनों ना, मैं एक करूंगा एक तुमको करने का। मैं जर्नल कराऊं कि लेजर कराऊं बता दो? जर्नल करा देता हूं तो एंट्रीज दिखेगी तो पोस्टिंग ही तो करनी है उसके। बट आई एम श्योर कोई नहीं करने वाला घर पर, आई एम श्योर। जो करेगा वो पास हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है ना? जो करेगा वो पास हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट। रेडी हो गया? डेट पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। ओके बेटा, हम किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो किसके बुक्स में रहेंगे बेटा जी? देख के बताओ। अशोक एक्वायर्ड फ्रॉम व्हाट? रियल एड्स। सो वी आर इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, नहीं बताओगे? मैं लिख देता हूं ना रियल एड्स। ऐसा कोई नाम होता है क्या? तो कैसा नाम है यार? एग्रीड। पहली एंट्री क्या होगी बेटा? सेल की। पहली एंट्री क्या होगी? सेल की। किसको बेचा बेटा? अशोक को। सो कैन आई नॉट राइट डाउन द एंट्री? अशोक अकाउंट डेबिट, अशोक अकाउंट डेबिट, एब्सोल्युटली राइट, टू सेल्स। क्या आप मुझे बताओगे कितना है? 1 लाख। ओ पिछली प्रॉब्लम ध्यान में रह गई। कितनी है भाई कैश प्राइस बता? अगेन यू आर एब्सोल्युटली राइट, 3000 एंड 3000। ये डेट कौन सी आएगी बेटा जी? 1 जनवरी 2010, अशोक टू सेल्स। बेटा सेकेंड एंट्री बताओ, कैश डाउन है क्या कुछ? कैश डाउन कहां पे? किसकी बुक में छपा है? गाय छाप। कैश डाउन है क्या? नहीं है। फिर बेटा जी, कैन आई नॉट से माई फर्स्ट एंट्री वुड बी ऑन 30 जून 2010?
इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। हम एंट्री क्या करेंगे, अशोक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या आप मुझे बता सकते हो देख के, 75 बीइंग इंटरेस्ट अक्रूड है नहीं, 75 बेटा। अब इधर क्या करोगे आप, 30 जून को आपको कैश मिलेगा क्या संतोष? 30 जून को कैश मिलने वाली है और एंट्री क्या होगी मालूम है क्या? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट अशोक, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। बेटा जरा देख के बताओ कितना बताया गया है आपको। अरे समझ में नहीं आ रहा, बताओ ना कितना बताया। 800 पहला वाला इंस्टॉलमेंट वॉज वेरी हैप्पी, आराम से दिया उसने, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, कीड़े किए नहीं, एग्रीड। फिर उसने कांड किया कौन से तारीख को, 30 सितंबर को। अब 30 सितंबर को कांड किया तो उन्होंने बोला कि 30 सितंबर तक का जो कुछ भी इंटरेस्ट रहेगा वो पूरा देगा। बोलो ना देगा कि नहीं देगा, देगा। सो कैन आई नॉट से, अभी पूरी क्लास का ध्यान दे, 30 सितंबर 2010 मैं एंट्री करूंगा, क्या एंट्री करूंगा, अशोक टू इंटरेस्ट अकाउंट। बोलो हाँ। क्या आप मुझे बता नहीं सकते वो अमाउंट कितनी आएगी? 28.5। 29 कर दो क्या, तुम्हारी इच्छा, 28 लिख दो, 29 लिख दो, 29 लिख दे, राउंडिंग ऑफ कर देंगे, 29। ये क्या एंट्री लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट अक्रूड अप टू द डेट ऑफ रिपोजिशन। संतोष आवाज क्यों आ रही है इधर, मुझे अकेले को आ रही है कि तुम्हें भी आ रही है? देख उसमें आ रही है कैमरा में। अशोक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इंटरेस्ट अकाउंट। डू यू ऑल एग्री? यस। कैन वी नाउ गो अहेड? बेटा 30 सितंबर के बाद, अभी जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, 30 सितंबर 2010 अशोक टू इंटरेस्ट हो गया, राइट। अब वो प्रपोर्शनेट अमाउंट देगा, साथ ही साथ उसने 200 रुपए और देने की बात बोली है नहीं। सो कैन आई नॉट से आई गॉट फ्रॉम अशोक कैश अकाउंट डेबिट इन द ब्रैकेट 800 / 2। वाई टू, प्लीज अंडरस्टैंड, 6 महीने की इंस्टॉलमेंट 800 रुपीज थी। सो ये एक्वायर्ड ऑन 30th September, सो ओनली फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। सो कैन आई नॉट से 800 / 2 इज हाउ मच, 400 + 200। ऐसा मैं नहीं वो बोल रहे कि और एडिशनल रुपए उससे मंगाए, 200 टू आट अशोक, बताओ बेटा कितना आ जाएगा? यू मीन 600? चलो 600 की एंट्री कर दो, नाव देखो ना ताव देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। हैप्पी? देन माय डियर फ्रेंड आई विल मेक द नेक्स्ट एंट्री ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। गो एंड चेक तुमने गुड्स रिपोजेस्ड कितनी वैल्यूएशन पर किया, गो एंड चेक कितने में वैल्यूएशन पर किया, 1500। सो कैन आई नॉट से 30th September 2010 गुड्स रिपोजेस्ड, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट 1500 टू अशोक अकाउंट 1500। बेटा टेक स्मॉल पॉज आफ्टर दैट, डोंट राइट टू अशोक 1500, मैं पहले ही बोल रहा हूं गाली दोगे तो मेरे को, डोंट राइट टू अशोक 1500, मैंने लिखा आपने नहीं लिखना, रेडी? बेटा अब जब हमने गुड्स रिपोजेस कर लिया, उसको इंटरेस्ट जो ड्यू हो रहा था वो भी डेबिट कर दिया उसको, और हमने उससे एक्स्ट्रा पैसे भी ले लिए 200 रुपए, अब अशोक हमें और कुछ नहीं देने वाला है, अशोक का सेटलमेंट फुल एंड फाइनल हुआ है। सो आई हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ अशोक ऑल्सो, क्योंकि अगर उसमें बैलेंस रह गया सो नीदर इट इज पेएबल नीदर इट इज रिसीवेबल बिकॉज इट इज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। यस और नो? ऐसा बोला ना, अशोक एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू पे अपॉन विच द एसेट वॉज रिपोजेस्ड, राइट, प्रोपोर्शनेट इंस्टॉलमेंट वॉज रिकवर्ड अलॉन्ग विथ वॉट 200 फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। सो कॉमन सेंस की बात क्या है मेरे बच्चों, इन सिंपल सिनारियो अशोक अकाउंट
मैं अगर कोई बैलेंस है तो ना वो रिसीवेबल है ना वो पेएबल है, सो इट शुड बी ट्रांसफर्ड वेयर टू पी एंड एल अकाउंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड बेटा, ध्यान से सुनो. आई स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस. अशोक को डेबिट है ना, ऑल डेबिट आई एड, ऑल क्रेडिट आई सब्सट्रैक्ट. इफ द फिगर इज पॉजिटिव इट इज अ डेबिट बैलेंस, मतलब रिसीवेबल बैलेंस. इफ द फिगर इज नेगेटिव इट इज अ क्रेडिट बैलेंस. ये बराबर है तो चलो कैलकुलेटर पर लो, 3000 डेबिट बैलेंस प्लस 75 माइनस 800 प्लस 29 माइनस 600 माइनस 1500. You mean 204? Don't you think so? 204 is receivable balance, debit balance. Am I going to receive anything from Ashok now? No. So I'll write down P&L account debit to Ashok account, or more better, bad debts to Ashok. Why bad debts? Because I'm not going to receive it. क्यों नहीं रिसीव होने वाला? क्योंकि बेटा जी हो गया सेटलमेंट फुल एंड फाइनल. तो अगर आप चाहो तो गुड्स रिपोजेस के साथ बैड डेट्स भी लिख सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो और एक एंट्री हो जाएगी. इज दैट ओके? बट घर में खिड़की तो नहीं करोगे ना? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 204 टू अशोक अकाउंट 204 being balance in Ashok account written off. Balance in Ashok account written off. Being balance in Ashok account written off. हाँ बेटा, हाँ ये 1500 आ जाएगा अभी. हाँ अगर कंबाइन एंट्री की है तो इधर कितना जो अशोक का बैलेंस है वो आएगा, वो सेटल हुआ, एंड द रिमेनिंग थिंग विल गो टू बैड डेट्स. बराबर समझ में आ रहा क्या? अगर आपको ये दोनों एंट्री कंबाइन करनी है, रीपोजिशन के साथ ही सेटलमेंट हो गया, तो इधर 1500 नहीं आएगा, इधर ज्यादा आएगा. इट वुड बी 1704. डू यू ऑल अप्रिशिएट? चलो बेटा ये कहां तक एंट्री होगी मैं वापस बताता हूं. अभी देखो कैसे जाने का. पहली एंट्री इजी, दूसरी एंट्री भी इजी थी, तीसरी एंट्री इंस्टॉलमेंट मिली, से यस और नो. फिर बेटा जी नेक्स्ट, ये इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री, ये थोड़ी सी अलग थी. 57 की एंट्री ना करते हो, सिर्फ 3 महीने की एंट्री की. 57 वॉज फॉर 6 मंथ. सीधी बेट गुंडू. नेक्स्ट कैश आया तो कितने की? 600 की एंट्री. बट ये कैश कैलकुलेट करना जरूरी था, प्रोपोर्शनेट इंस्टॉलमेंट प्लस 200 मोर, सो हाउ मच आई हैव गॉट 600. फिर कैश आई, उसके अलावा हमने असेट को क्या कर लिया? रिपोजेस. तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या हुई? गुड्स रिपोजेस टू अशोक. इसका वैल्यूएशन डायरेक्टली गिवन टू यू. देन लवली पीपल, आई हैड टू मेक एन एंट्री ऑफ व्हाट? बैड डेट्स. बिकॉज अशोक का अकाउंट सेटल हो गया है, अशोक अभी हमको और एक रुपया भी नहीं देने वाला है, तो अशोक अकाउंट इज सेटल्ड. एग्रीड? नाउ हैविंग सेड दैट, नाउ वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन रिपोजेस गुड्स. रिपोजेस गुड्स के साथ में भी कार्यक्रम किया है ना, देखो मेरे पास घूर घूर के. रिपोजेस गुड्स को अभी रिपेयर करना पड़ेगा ना, एंट्री क्या करो? रिपेयर या गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट? गुड्स रिपोजेस्ड. एग्रीड? वेरी गुड. सो बेटा कौन सी तारीख को बेचा रहे? ए बाड़ा, कौन सी तारीख को बेचा? 15 अक्टूबर. तो 15 अक्टूबर को एंट्री कर दू क्या? 15/10/2010, राइट? सो मैं लिखूंगा गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट. गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू, नहीं बताओगे टू क्या? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. इज दैट व्हाट यू से? गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. बोल रहे गुंडू कितना है? 200 बीइंग रिपेयर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन goods repossessed. Are you all happy? Being repairs expenses incurred on goods repossessed account. And lovely people, we are now on the last entry, that is sale of goods repossessed account. Chalo sale karo.
15/10/2010 को क्या करेंगे, सेल कर दो। तुम क्या बोलते, कभी कभी समझ भी नहीं आता मुझे। अच्छा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, बेटा कंबाइंड एंट्री कर दूं क्या? कैश ऑब्लिक बैंक कितना आएगा? 1800, मतलब 1800 रुपए में बेचा बेटा, गुड्स रिपर्चेस बेचा तो उसमें भी प्रॉफिट और लॉस आएगा। गुड्स रिपर्चेस बेचा तो उसमें भी क्या प्रॉफिट और लॉस आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो बेटा प्लीज आ जाओ, गुड्स रिपर्चेस की एंट्री हम देखना शुरू करते हैं। बेटा पहले डेबिट बैलेंस से देखो 1500, लो कैलकुलेटर पर 1500 लिया, माइनस नहीं, ऐड करो 200, कितना हो गया? तुमने उसको कितने में बेच दिया? 1800। तो बेटा प्रॉफिट होगी लॉस? प्रॉफिट। सो कैन आई नॉट से कैश पब्लिक बैंक 1800 टू गुड्स रिपोजेस्ड कितना बेटा जी? 1700 ना, टू पी एंड एल अकाउंट 100, यस और नो? बींग रिपोजेस्ड गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट, being repossessed goods sold at profit, have you done till this point? I think with this we are done with. बेटा जब पोस्टिंग करोगे तो अशोक अकाउंट की पोस्टिंग चेक कर लो, जर्नल एंट्री तुम्हारे सामने है। अशोक अकाउंट को पहले क्या किया? सेल, यस और नो? एक सेकंड, मैं एक एक करके दिखा दूं। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, अशोक को पहले सेल किया, कितने में सेल किया जरा देख के बताओ? 3000। चलो अशोक की नेक्स्ट एंट्री बताओ मुझे क्या? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पहले किया ड्यू, कितना है? 75। फिर उससे आई इंस्टॉलमेंट, कितने की आई? 800 है नहीं, फिर वापिस टू इंटरेस्ट, कितना है बेटा जी? 29। इधर मैंने 28 लिया बट ठीक है, तुम 29 के हिसाब से एंट्री कर दियो, ठीक है ना? अच्छा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 39, कितना कैश दिया उसने? 600। तो बेटा 600 कैश आया क्या? फिर इससे माल रिपोजेस करा लिया, कितने में रिपोजेस कराया? देखो एंट्री 1800, हाँ या नहीं बेटा? 1500 में क्या क्या गुड्स रिपोजेस 1500 बेटा। इसके बाद में इसमें बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस आया था? क्या आया था? बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब लॉस आया। सो लॉस मतलब बेटा इधर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आने को होना ना। सो मैंने बाय पी एंड एल अकाउंट लिखा 203, अपना 204 आया होगा क्योंकि हमने ये वाला फिगर 29 लिखा था। डी ऑल एग्री? जंपे समझा क्या? कर पाएंगे घर पर? इधर बाय पी एंड एल अकाउंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? बाय बैड डेट्स, जो हमने लिखा वो सही है। नेक्स्ट माई डियर फ्रेंड, तुम्हारा नेक्स्ट अकाउंट है गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, एग्रीड? जब रिपोजेस किया तो कितने में रिपोजेस किया उसका वैल्यूएशन बताओ। तुम्हारे बोलने के अनुसार 1500 है, हाँ या ना? 1500। उसके बाद में क्या हुआ बेटा जी? रिपेयर किया गया। सो कैन आई नॉट से टू कैश 200? टू कैश 200, यस और नो? उसके बाद में बेटा जी हमने सेल कर दिया, कितने में? 1800। तो बेटा उसके बाद में हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 100 प्रॉफिट हुआ ना। सो 100 प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में आएगा क्योंकि पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगा। सो कितने का प्रॉफिट हुआ? 100। हैप्पी? इसके अलावा बेटा जी मैंने कुछ और दो अकाउंट बनाए, एक है सेल्स का। सेल्स जो भी वो कहां चला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। अबे याद आ रहा है क्या? सेल्स ट्रेडिंग में जाता है ना। उसके अलावा एक इंटरेस्ट अकाउंट भी बनाया, इंटरेस्ट कहां पे जाएगा? पी एंड एल अकाउंट बनाना होगा। तो बेटा सारी एंट्रीज मैंने बता दी, लेजर अकाउंट अभी आपको होमवर्क है।
अभी आपका इंटरेस्ट 103 की जगह पे कितना आएगा, 104. हैप्पी? कर पाएंगे आप ये? इज दैट ओके? चलो प्यार से भाई बोलो, ए भाई क्या?